सो गाइज वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो गाइज यार आज के इस वाले वीडियो में बात करेंगे अपन स्टूडियो मास्टर के 15 इंची में सबसे हेवी वाटेज के स्पीकर के बारे में। जो स्पीकर 650 वाट में आता है और काफ़ी हेवी वाटेज के स्पीकर है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं आपके हेवी से हेवी वाले टॉप के लिए। तो स्पीकर 15 इंच में आता है और 650 वाट का स्पीकर है। आपके डुअल टॉप में अगर आप हेवी से हेवी टॉप बनाना चाहते हैं, डीजे में यूज़ करते हैं या फिर कंपटीशन में यूज़ करते हैं, तो ये वाला स्पीकर आपके डुअल टॉप में लगाइए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और ये वाला स्पीकर जो है काफ़ी हेवी वाटेज के स्पीकर है, इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं आपके हेवी टॉप के लिए। ये पर बात करेंगे स्पीकर के रिव्यू एंड स्पीकर के लोड कैलकुलेशन करने वाले हैं। आप अगर डुअल टॉप में लगाते हैं तो आप कितने वाट के एम्पलीफायर से 2 टॉप और 4 टॉप चला सकते हैं, ये भी जानेंगे एंड स्पीकर के प्राइस भी जानेंगे। उससे पहले एक बात भी आप सभी से बताना चाहूँगा कि अभी 10 या फिर 12 दिन बाकी है हमारे दुर्गा पूजा आने में, तो अब से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाएंगे। कुछ दिन बाद हो सके एक वीडियोस आ जाए, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा काम है, लाइट वगैरह ठीक करने हैं, जो लाइट ठीक है उसको भी रखना है साइड में, स्पीकर्स को भी ठीक करने हैं, अगर कोई स्पीकर ख़राब है उसको भी ठीक करने हैं, ऐसे ही बहुत सारे काम हैं, तो इसको कर लेना है क्योंकि 10-12 दिन बाकी है पूजा को आने में। और एक हफ्ते पहले से हम लोग लगाना स्टार्ट कर देंगे, माइक्स वगैरह लाइट्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारा काम है इसलिए रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाएंगे, कुछ दिन बाद हो सके तो एक वीडियोस आ जाएंगे। और दुर्गा पूजा के सेटअप पे हो सके तो वीडियोस भी लेकर आऊँगा, लाइट्स वगैरह की वीडियोस भी लेकर आ जाऊँगा दुर्गा पूजा के सेटअप की। तो कुछ दिन बाद हो सके तो एक वीडियोस आ जाएंगे और दुर्गा पूजा के सेटअप की भी वीडियोस ले आने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग चैनल में बने रहिए, वीडियोस आ जाएंगे लेकिन थोड़ी देरी से आ जाएंगे, और दुर्गा पूजा के सेटअप की भी हो सके तो वीडियोस आ जाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखिए काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो बात करें अगर स्पीकर के ओवरऑल लुक की, तो लुक वाइज काफ़ी हेवी टाइप का स्पीकर लगता है और काफ़ी हेवी टाइप का स्पीकर भी है। 15 इंच में 650 वाट का स्पीकर है, जैसे कि मॉडल नंबर में आप यहाँ पर देख सकते हैं SMB 1565, यानी कि 15 इंच का स्पीकर है और 650 वाट में है, इसलिए 1565। बात करें अगर स्पीकर के स्पेसिफिकेशन की तरफ, तो बात करें अगर स्पीकर के टाइप की, तो ये वाला स्पीकर है मिड बेस स्पीकर, काफ़ी अच्छा मिड के थ्रो के साथ काफ़ी अच्छा बेस भी मिल जाएगा। बात करें अगर वाटेज की, तो इसका RMS पावर है 650 वाट और इसका पीक पावर आ जाता है 1300 वाट। तो 650 वाट देकर आप इसको कंटिन्यूसली चला सकते हैं, और 1300 वाट है इसका पीक पावर, तो 1300 वाट मत दीजिए, 650 वाट देकर चलाइए। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की अगर बात की जाए, तो 40 हर्ट्ज़ से लेकर 5000 तक फ्रीक्वेंसी दिया है, तो काफ़ी अच्छा बेस से लेकर मिड का थ्रो मिल जाएगा। बात करें अगर इम्पीडेंस की, तो इम्पीडेंस 8 ओम्स दे रखा है, सेंसिटिविटी मिल जाता है 98.5 dB, और यहाँ पर वॉइस कॉइल यूज़ किया गया है 4 इंची का, और वॉइस कॉइल मटेरियल यूज़ किया गया है कॉपर का जो है आउटसाइड का। बात करें अगर नीट वेट की, तो 11 kg है स्पीकर का नीट वेट। तो अभी बात करें अगर इस स्पीकर के साथ, यानी कि आपके 650 वाट के स्पीकर के साथ आप कितने वाट के HF आपके डुअल टॉप में यूज़ कर सकते हैं, तो आपका स्पीकर है 650 वाट का, आप इसके साथ लगाइए एक 120 या फिर 130 वाट का भी HF लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैच कर जाएगा। तो आपका एक एक टॉप बन जाएगा लगभग 1400 वाट का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लगभग आप 1400 वाट ही मनकर रखिए और 1400 वाट का ही एम्पलीफायर यहाँ पर यूज़ कीजिए। तो अभी बारी है यहाँ पर लोड कैलकुलेशन करने की या फिर एम्पलीफायर जानकारी की। तो हमारा एक एक टॉप बन जाएगा लगभग 1400 वाट में, तो आप 2 टॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जो स्टूडियो मास्टर का ही जो DJ A 4000 एम्पलीफायर है, वही वाला एम्पलीफायर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 2 टॉप के लिए, और उसमें 4 ओम्स पर चैनल 1400 वाट का ही आउटपुट मिलता है, तो काफ़ी अच्छे से चल जाएगा, काफ़ी अच्छा मैच भी कर जाएगा वाट के साथ ओम्स के साथ। तो आप 2 टॉप के लिए यूज़ कीजिए स्टूडियो मास्टर का DJ A 4000, एक एक चैनल पर एक एक टॉप करके लगाएंगे और काफ़ी अच्छे से ये रन कर देगा। और बात करें अगर यहाँ पर 4 टॉप लगाने की, तो हमारा स्टूडियो मास्टर DJ A 4000 में तो 2 ओम्स का रिकमेंडेड नहीं है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो DJ A 5000 है, वही वाला एम्पलीफायर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 4 टॉप को चलाने के लिए। और DJ A 5000 में हमको 2 ओम्स पर चैनल 2800 वाट का आउटपुट मिल जाता है, तो आप एक एक चैनल पर 2-2 टॉप करके लगा सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा और 2 ओम्स बन जाएगा, और 2 ओम्स पर 2800 वाट का आउटपुट मिल जाता है, तो एक एक चैनल पर आप 2-2 टॉप आराम से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से
चल जाएगा। और हमारा एक एक टॉप है 1400 वाट का, और दो टॉप अगर पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो 2800 वाट ही हो जाएगा 2 ओम्स पर। और हमारे एम्पलीफायर में ही 2 ओम्स पर 2800 वाट ही देता है, तो अच्छे से ओम्स मैचिंग भी हो जाएगा, वाट मैचिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पर डीजे 5000 में आप टोटल 4 टॉप भी आराम से चला सकते हैं। तो अभी एम्पलीफायर डिटेल्स तो हो गया है, तो अभी बात करें अगर स्पीकर के अप्रोक्स प्राइस की, तो स्पीकर हमारा 650 वाट में आता है, तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस हो जाएगा। तो और बात करें अगर स्पीकर की अप्रोक्स प्राइस की, तो यहाँ पर 7600 रुपये स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7600 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप मान कर रखिए 7500 या फिर 7000 में भी आपको मिल सकता है। तो यही है अप्रोक्स प्राइस, अप्रोक्स प्राइस है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताना। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डीजे साउंड से रिलेटेड वीडियोस हर दिन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया, वीडियोस रेगुलर नहीं आ पाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद बाद एक वीडियो शायद आ जाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही चैनल में बने रहिए, वीडियोस को ऐसे इंजॉय करते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी गुड बाय।